हेलो स्टूडेंट, लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अब हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का ऑब्जेक्टिव देखते हैं, जो कि एकदम मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव में है। इसको जो देख लोगे, आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा, सारा का सारा बनेगा, एकदम गारंटी के साथ बनेगा। क्लियर है? तो अब देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है मल्टीपल च्वाइस का। पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, पहला क्वेश्चन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज कॉमनली फाउंड। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन किस जगह पे पाया जाता है? तो पहला हमारा डिजर्ट एरिया, हिली एरिया, स्वैम्प और ग्रासलैंड। तो डिजर्ट में तो होगा नहीं, स्वैम्प मतलब कि हिली एरिया, मतलब हिली एरियाज में होता है, स्वैम्प मतलब कि दलदली या कीचड़ युक्त एरिया में होगा नहीं, और ग्रासलैंड पे होगा नहीं। तो पहला का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी। पहला का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बच्चा, हिली एरिया, हिली एरिया, हिली एरिया हो जाएगा पहला का बी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर पे, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का ऑपरेटिंग कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट दोनों सेम हुआ। ऑपरेटिंग कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट क्या हुआ, रनिंग कॉस्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किसी भी तरह का फ्यूल नहीं लगता है, फ्यूल नहीं लगता है। तो दूसरा का ए ऑप्शन, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लो एंड इनिशियल कॉस्ट इज हाई। दूसरा का ए ऑप्शन, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लो एंड इनिशियल कॉस्ट इज हाई। अब तीसरा आते हैं, तीसरा हमारा क्या है, लार्जेस्ट साइज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनिट इन इंडिया। लार्जेस्ट साइज हमारा है 165 मेगावाट। ऑप्शंस में क्या क्या है, 350, 500, 165 और 90। तो हमारा ऑप्शंस वाला सी करेक्ट है, सी करेक्ट है, सी हमारा होगा 165 एम डब्ल्यू। क्लियर है? तो थर्ड का सी। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ में, चौथा नंबर क्वेश्चन, विद द रेफरेंस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द डिस्चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज नोन एज मोनोग्राफ, हेक्टोग्राफ, लोड ड्यूरेशन कर्व, हाइड्रोग्राफ। तो हमारा इस यह बता भी चुके हैं पहले, हमारा क्या होगा, सी डी, हाइड्रोग्राफ क्या हो जाएगा, हाइड्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफ। तो चार का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, हाइड्रोग्राफ। चार का डी करेक्ट आंसर, हाइड्रोग्राफ। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं पाँच में, हाइड्रोग्राफ इज सिमिलर टू, पाँच नंबर, हाइड्रोग्राफ इज सिमिलर टू, बता चुके हैं बच्चा, बताइए, जवाब दीजिए, हाइड्रोग्राफ इज सिमिलर टू डी, क्रोनोलॉजिकल कर्व, लोड ड्यूरेशंस कर्व के नहीं होगा, हमारा मास कर्व के नहीं होगा, इनर्जी लोड कर्व के नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो लोड ड्यूरेशंस एंड क्रोनोलॉजिकल कर्व, सी एच आर ओ एन ओ एल ओ जी आई सी ए एल, क्रोनोलॉजिकल कर्व, क्रोनोलॉजिकल कर्व। क्लियर है? तो पाँच का डी आंसर। अब आगे बढ़ते हैं सिक्स नंबर, स्टोरेज रिक्वायरमेंट कैन बी डिटरमाइंड फॉर्म हाइड्रोग्राफ, फ्लो ड्यूरेशंस कर्व, मास कर्व, आइदर बाय हाइड्रोग्राफ और मास कर्व। तो सिक्स का आइदर बाय हाइड्रोग्राफ और मास कर्व, सिक्स का डी होगा, सिक्स का हमारा डी हो जाएगा, स्टोरेज रिक्वायरमेंट आइदर बाय हाइड्रोग्राफ और मास कर्व के अनुसार हम लोग डिसाइड करते हैं। तो सिक्स का डी आइदर बाय हाइड्रोग्राफ और मास कर्व। अब आगे बढ़ते हैं सेवन नंबर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेवन नंबर है, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन व्हाट इज द इन लार्ज बॉडी ऑफ वाटर जस्ट अबव द इनटेक एंड यूज एज अ रेगुलेटिंग रिजर्वायर। तो स्पिलवे से हम पानी को बाहर फेंकते हैं, तो स्पिलवे नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, स्पिलवे से हम पानी को बाहर फेंकते हैं, ई नहीं होगा। रिजर्वायर में पानी जमा रहता है, पेन स्टॉक पाइप हो गया। तो हमारा यह जो सेवन का होगा वो फॉरवे हो जाएगा, सेवन का क्या हो जाएगा, फॉरवे, जो इस तरह से फिगर में बताए थे, इस तरह से यह हमारा डैम हो गया, यहाँ से यह आ गया, यहाँ पर हमारा सर्ज टैंक हो गया, यह हमारा सर्ज टैंक हो जाता है, इस तरह से सर्ज टैंक दे दिए थे, यहाँ पर हम लोग पावर हाउस दे दिए, पावर हाउस में टरबाइन था या पावर हाउस, तो यह वाला एरिया हमारा क्या कहलाता था, फॉरवे कहलाता था, इसी को हम लोग क्या कहते थे, फॉरवे कहते थे। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, सात का बी। अब आगे बढ़ते हैं एट नंबर, इन अ हाई हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो इन द पेन स्टॉक इज अराउंड हाई हेड में हमारा 7 मीटर पर सेकेंड के आधार पर आता है। हाई हेड का क्लासिफिकेशन हम लोग कर चुके हैं, लेक्चर्स में देखिएगा, नोट्स में देखिएगा, हाई हेड, मीडियम हेड और लो हेड।
तो 7 मीटर पर सेकेंड, 8 का C, 7 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है द टर्म सर्ज टैंक इज एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ द पावर प्लांट, किस टाइप में आया था, हाई हेड, लो हेड, मीडियम हेड और थर्मल। तो थर्मल में तो था नहीं, हाई हेड और मीडियम हेड में आया था। तो यहाँ पर ऑप्शंस, बेटर ऑप्शंस हमारा क्या होगा, 9 का A, हाई हेड। सर्ज टैंक हमारा किस में आया था, सर्ज टैंक हमारा आया था, सर्ज टैंक हम लोग फिगर में देखे थे सर, तो कौन हेड में देखे थे सर, हाई हेड में देखे थे गुरुजी, हाई हेड में देखे थे गुरुजी। क्लियर है। नेक्स्ट अब 10, तो 10 द लोकेशन ऑफ सर्ज टैंक इज एसोसिएटेड इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। जी नहीं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम VVI है, VVI एकदम आएगा एग्जाम में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हमारा किसके नज़दीक था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हमारा सर्ज टैंक हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक में किसके नज़दीक था, तो टर्बाइन के। जैसे कि देखो, यह हम लोग सर्ज टैंक, यह हमारा डैम हो गया, डैम से इसे पानी गया, तो यह हमारा टर्बाइन था। टर्बाइन का ब्लेड अगर क्लोज हो जाएगा तो सर्ज टैंक यहाँ पर ऐसे दिया गया था, सर्ज टैंक हमारा ओपन फ्रॉम माउथ था, ओपन फ्रॉम टॉप था, तो यह हमारा किसके नज़दीक है, टर्बाइन के नज़दीक है, तो टर्बाइन के नज़दीक है, तो 10 का A। उसके बाद है बच्चा द फंक्शन ऑफ सर्ज टैंक इज टू, एकदम VVI है, VVI चचा है, तो VVI चचा को छोड़ना नहीं है, एकदम याद कर लेना है, एकदम मस्त टाइप से याद कर लेना है। द फंक्शन ऑफ अ सर्ज टैंक इज टू रिलीव वाटर हैमर प्रेशर इन द पेन स्टॉक पाइप, सप्लाई वाटर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, नहीं रिड्यूस सर्ज इन इन रिड्यू प्रोड्यूस सर्ज इन अ पाइपलाइन, तो प्रोड्यूस तो सर्ज टैंक नहीं रहने पे करता है ना। तो पहला हमारा क्या होगा, यह सर्ज टैंक वाटर हैमर को घटाता है, कहाँ, पेन स्टॉक में। सर्ज टैंक यह जो पाइप है, यह जो पाइप से पानी आया, अगर ये मुंह बंद कर दिए तो पानी इस पाइप पे प्रेशर क्रिएट करेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, सर्ज टैंक बोलते थे, वाटर हैमर, डेट फिनोमेनन आर नोन एज, यही फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते थे, वाटर, इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते थे, वाटर हैमर, इसी फिनोमेनन को हम लोग बोलते थे वाटर हैमर। इससे बचने के लिए हम लोग सर्ज टैंक देते थे, वाटर हैमरिंग से बचने के लिए हम लोग सर्ज टैंक देते हैं, और सर्ज टैंक का काम है वाटर प्रेशर को कम करना। ठीक है, तो 10 का A ले लो, 10 का A बट रहा है फ्री में। नेक्स्ट है वाटर हैमर आकर्षण, वाटर हैमर कहाँ आता है, तो यह क्वेश्चन को जब बड़ा ध्यान से देखना, सर्ज टैंक वाटर हैमर के इफेक्ट को कम करता है, ना कि वाटर हैमर सर्ज टैंक में आता है, पेन स्ट्रोक में वाटर हैमर आता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। VVI 12 नंबर VVI ले लो फ्री में बट रहा है बच्चा, 12 मोस्ट VVI है, तो एकदम फ्री में है, फ्री सेवा 12, वाटर हैमर आकर्षण, तो सर्ज टैंक नहीं, ध्यान दीजिएगा, सर्ज टैंक का काम है वाटर हैमरिंग इफेक्ट को कम करना, न कि वाटर हैमर सर्ज टैंक में आता है। वाटर हैमर कहाँ आएगा बच्चा, पेन स्टॉक में, वाटर हैमर कहाँ आएगा, पेन स्टॉक में, वाटर हैमर कहाँ आएगा, पेन स्टॉक में, पेन स्टॉक इज अ पाइप, पेन स्टॉक हमारा क्या है, पाइप है, पेन स्टॉक इज अ पाइप, डैट पाइप आर मेड ऑफ कंक्रीट और स्टील, स्टील का भी बना हो सकता है, कंक्रीट का भी, ज़्यादातर हम लोग कंक्रीट का यूज करते हैं, तो 12 का B। उसके बाद है फॉर वेरिएबल हेड ऑफ नियर अबाउट बट लेस देन 30 विच टाइप ऑफ टर्बाइन इज यूज, तो एकदम याद है, याद रखना, 13 नंबर कैपलान टर्बाइन ले लो फ्री में, 30 नंबर कैपलान टर्बाइन। कैपलान का स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो कैपलान KAPLAN कैपलान टर्बाइन, लो हेड में कैपलान टर्बाइन याद कर लो, लो हेड में कैपलान टर्बाइन, तो 13 का B। अब आते हैं 14, फॉर हार्नेसिंग लो वेरिएबल वाटर हेड द सुटेबल हाइड्रोलिक टर्बाइन विथ रिएक्शन एंड एडजस्टेबल वेन, लो वेरिएबल में वाटर हेड में हम लोग सुटेबल हाइड्रोलिक टर्बाइन यूज करते हैं। कैपलान एकदम याद कर लो, एकदम आने वाला है यार, एग्जाम में एकदम देवे करेगा, धीरे धीरे से दिल को चुराना, और एग्जाम में यह क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो कैपलान 14 का C कैपलान। अब 15 पे आ जाते हैं, फॉर हार्नेसिंग
टावर फॉर हार्नेसिंग लोअर वेरिएबल वाटर है, टावर नहीं होगा बच्चा, यहाँ लोअर ही होगा, फॉर हार्नेसिंग लोअर वेरिएबल, तो यह लोअर ही होगा, लोअर वेरिएबल वाटर है। द सुटेबल हाइड्रोलिक टर्बाइन विथ हाई परसेंटेज ऑफ रिएक्शन है, रनर एडजस्टेबल वेन, रनर एडजस्टेबल वेन में हमारा, ये भी हमारा 15 में भी केपलन, तो मोस्टली मानकर चलो कि 14 और 15 बहुत हद तक सिमिलर है, थोड़ा बहुत अंतर है। उसके बाद हम लोग आते हैं द मैक्सिमम हेड ऑफ द केपलान टर्बाइन इज लिमिटेड, मैक्सिमम हेड हमारा, तो मैं केपलान टर्बाइन लो के लिए यूज करते हैं, केपलान किसके लिए यूज किया जाता है, लो हेड के लिए, केपलान टर्बाइन लो हेड के लिए यूज करते हैं, और लो हेड अप टू 30 या अप टू 50, लो हेड अप टू हम लोग कितना लिखे थे, अप टू 30 भी बहुत सारे बुक्स में दिया और अप टू 50 भी बहुत सारे बुक्स में दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए मैक्सिमम हेड ऑफ द केपलान टर्बाइन इज लिमिटेड अप टू 30, अप टू 30 16 का है, याद कर लो, 16 का है। अब आते हैं 17 में, फॉर हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज वाटर टर्बाइन, क्या यूज करते हैं, हाई हेड में तो पहला हमारा पेल्टॉन व्हील, पेल्टॉन ही चक्री वाला, इस तरह से जो बताए हैं, ऐसे बताए थे ना, इस तरह से चक्री वाला जो था, यह हमारा पेल्टॉन व्हील है, तो पेल्टॉन व्हील हाई हेड एकदम वी वी आई मार लो, हाई हेड। चलो आगे बढ़ते हैं, 17 का है टर्बाइन इंस्टॉल इन भाखरा नंगल, तो ये तो कल भी बताए थे, कल के लेक्चर्स में भी बताए थे, टर्बाइन इंस्टॉल इन भाखरा नंगल पेल्टॉन व्हील, टर्बाइन एग्जॉस्ट इन भाखरा नंगल आर पेल्टॉन व्हील, टर्बाइन एग्जिस्टिंग भाखरा नंगल आर पेल्टॉन व्हील, क्लियर है, तो 18 का है। अब आते हैं 19, रोटामीटर इज यूज्ड फ्लूड डिस्चार्ज, सर जी रोटामीटर का काम क्या है, फ्लूड डिस्चार्ज को मेजर करना, और रोटामीटर किससे रिलेशंस में रहेगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से रिलेशंस में रहेगा, कौन सा रोटामीटर, तो 19 का है। उसके बाद 20, ई वाला तो एकदम है, ई तो एकदम यादें कर लो रे बच्चा, यह लो हेड 2 से 15 में प्रोपेलर और कैपलान, ठीक है, यह हमारा लो हेड हमारा अप टू 30 तक भी जा सकता है, अप टू 50 तक भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन यह क्लासिफिकेशंस किया गया है तो 2 से 15, अगर देते 2 से 50 देते तो 50 से आगे बढ़ते 100, 100 से फिर 500 तक जाते हैं, 100 से 200, 200 से आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं, तो लो हेड में प्रोपेलर और केपलान, मीडियम हेड में केप्रॉन और फ्रेंसिस, हाई हेड में फ्रेंसिस और पेल्टॉन, और वेरी हाई हेड में पेल्टॉन, तो इसको तो एकदम याद कर दो, ये मोस्ट भी है, समझो एग्जाम में आ गया है, मोस्ट भी है, समझो, समझ लो कि एग्जाम में ये आ गया, क्लियर है, तो लो हेड याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन हम लोग है सिमिलर टू जो प्रीवियस दिए थे, सेम ही होगा, 2 से 15 भी दे सकते हैं, तो 15 से 70, 70 से 500, और वेरी हाई हेड में एवं 500 दे सकते हैं, ठीक है, और हमारे जो नोट कॉपी में उसके अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई कर लेते हैं, लेकिन लो हेड में प्रोपेरल कैपलान, मीडियम हेड में केपलान फ्रांसिस, हाई हेड में फ्रांसिस पेल्टॉन, और वेरी हाई हेड में पेल्टॉन, क्लियर है। उसके बाद 21, 22, चलो 21 है, देखो मल्टीपल चॉइस थर्मल हाई फ्यूल ट्रांसमिट, यह सीधा सीधा हम इसको लिख ही दिए हैं, ठीक है, थर्मल में फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होता है, न्यूक्लियर में कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा होता है, हाइड्रो में हाई प्लांट लाइफ ज़्यादा होता है, एज वेल एज हाई कैपिटल कॉस्ट भी इसका ज़्यादा होता है, और डीजल में हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, तो इसको याद कर लेना, इट में आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव, सब सही है, सब सीधा सीधा दिया गया है, एकदम सीधा सीधा, इसमें कोई मैचिंग नहीं है, हम लिख दिए हैं आंसर ही लिख दिए हैं, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब कौन है 22, इन इंडिया मोर देन 60% ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटेड बाई थर्मल के द्वारा हम लोग 60% से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं, 22 के बाद 23, द हाइड्रो पावर प्लांट, प्लांट नहीं होगा, प्लांट होगा,
द हाइड्रो पावर प्लांट यहाँ प्लांट विल गिव्स लीस्ट रनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कब सबसे कम रनिंग कॉस्ट देता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक? 23 के बाद 24। मॉडर्न हाई प्रेशर बॉयलर यूजेज फोर्स्ड सर्कुलेटिंग वाटर का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा 25। द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपेटर आर मोस्ट इफेक्टिव ऑन फाइन डस्ट पार्टिकल। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपेटर का यूज करते हैं फाइन डस्ट पार्टिकल, मतलब कि यह जो चिमनी से यहाँ पर जो चिमनी बना हुआ है, चिमनी बना हुआ था, यह चिमनी के पास से पहले हम लोग फाइन डस्ट पार्टिकल को हटा लेते हैं, तो उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपेटर का यूज करते हैं। 25, 26, 26 है हाँ। गैस टरबाइन वर्क्स ऑन ब्रेंटन साइकिल। गैस टरबाइन कौन साइकिल पर वर्क करता है? ब्रेंटन साइकिल, याद कर लीजिएगा, ब्रेंटन साइकिल। क्लियर है? तो मिलते हैं अब आगे ऑब्जेक्टिव के साथ, तब तक के लिए ओके, गुड बाय, गुड नाइट। पढ़िए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, खाते रहिए, सोते रहिए, खूब खाओ, खूब पढ़ो, खूब खेलो। क्लियर है?